Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू another गेम video. वीडियो तो गाइस आज हम लोग के लिए जा रहे हैं हाउस फ्लिपर ऑल राइट गाइस वेलकम टू माई न्यू हाउस खैर अभी मैं सोकर उठ चुका हूं ये वाली विंडो बंद कर देते हैं और मेरे घर के बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रखी है और अभी भी दिन के टाइम पे भी स्नो फॉलिंग चल रही है खैर अभी यार बेड ठीक कर देते हैं ये वाला जो हाउस आप देख पा रहे हो ना ये हाउस मैंने रिसेंटली खरीदा और ये सच्ची में बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा गंदा भी है वैसे भी यार अब से मेरा पर्सनल हाउस है और मैं इसको बेच के बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता खैर हर एक रूम में बहुत ज्यादा गंदगी मची हुई है

कि कैंपिंग बंगलो है बट ये बहुत छोटा है आ एक ये बर्न हाउस है घर जल चुका है बट नहीं यार इतना छोटा घर नहीं चाहिए कुछ थोड़ा बहुत तो बड़ा बनाओ एटलीस्ट एक दो फ्लोर का तो वो होना चाहिए हाँ, इन सबके प्राइसेस क्या है पहले प्राइस देखते हैं ये 30 वेट ये छोटा सा बंगलो 35761.41 डॉलर्स का है ये कुछ ज्यादा महंगा हो रहा है यार मतलब ये जरा जरा से हट मिल रहे हैं भाई इनको हट बोला जाता है हाउस नहीं बाकी एक घर है बीच पे है तो छोटा ही लेकिन इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से का है एक है एक हैकर लॉफ्ट है, नहीं, नहीं भाई वहां नहीं जाना इतनी महंगा भी पड़ रहा है वो जगह खैर अभी ना मुझे यहाँ पर कोई भी हाउस समझ नहीं आ रहा है मैं चाहता हूँ कि खुला हरा भरा एरिया हो जिसके बीच एक बड़ा सा बंगला हो बट चार इस टाइप का कोई भी हाउस अभी यहां पर अवेलेबल नहीं है थोड़ा सा नीचे चल के देखते हो और वेट क्या है समार्था मायर ओ भाई, कुछ इसी टाइप के घर की मुझे तलाश थी इतनी देर से और यह मिलने का जो कि काफी ज्यादा महंगा है बट वर्थ इट है भाई ये तो अभी मैं इसको खरीदने वाला हूं और देखते हैं कि आखिरकार हम लोग इसे रेनोवेट करके कितने का बेच पाएंगे ऑल राइट गाइस तो अभी हम लोगों ने जो घर खरीदा था मैं वहां पर आ चुका हूं जल्दी से अंदर चल के देखते हैं कि आखिरकार ये जो घर है ये अंदर से कितना ज्यादा गंदा है मुझे लग रहा था काफी ज्यादा बढ़िया बन रखा होगा बट बिल्कुल बस दीवारों पे पेंट हो रखा है वो भी ओए मकड़ी के कितने बुरे बुरे जाले लगे हुए यहाँ पर बाथरूम का भी बहुत बुरा नाश पेटा हुआ है और वो सब छोड़ो यहाँ पर टॉयलेट सीट रेडिएटर वगैरह रेडिएटर छोड़ो भाई यहाँ पर नहाने के लिए नल भी नहीं लगे हुए हैं बस पाइपे लटक रही है यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है ये अगर बस बाहर से ही देखने में अच्छा लग रहा था और सिर्फ में ये क्या है वेट अच्छा यहाँ पर कर्टेन्स लगा रखे थे इस कर्टेन को भी हटाता हूँ खैर ओतरी घर के पीछे ग्रेव यार्ड ये तो कुछ गलत ही सीन हो रखा है यहाँ पर भाई हम लोगों ने कोई गलत घर तो नहीं ले लिया ना यार मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सी वाइब आ रही है यार इस घर में आने के बाद खैर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं हमें कौन सा इसमें रहना है अच्छे से रेनोवेट करना है फिर उसे बेच देना है बाकी आगे काम किसी और क्या भाई लेट्स को यहाँ पर ऊपर वाला बाथरूम फिर भी ठीक है यहाँ पर एटलीस्ट टॉयलेट सीट तो लगी हुई है ये वाला मैं गेट ओ तेरी ये क्या है हेलो इतने सारे कॉकरोचेस यहाँ पर क्यों आ रखे हैं कहीं इसके अंदर किसी की बॉडी तो नहीं है वेट यार ये क्या नाश पिटा हुआ यार सच्ची में गलत घर ले लिया गया मैंने नुकसान में जाने वाला हूं बहुत ज्यादा क्योंकि इतना पेंट मुझे करना होगा मैं थक जाऊंगा भाई पेंट कर कर आज सही बता रहा हूँ ये वाला रूम फिर भी ठीक है बस कीचड़ वीचड़ पता नहीं कहाँ से आ रहा है ऊपर क्या है ओके कुछ सामान वामान है क्योंकि अगर कोई पुराना सामान मिल जाता है तो मैं उसे सेकेंड हैंड बेच सकता हूँ और वेट मुझे लगा जैसे इधर कोई कैट या कोई डॉग मरा हुआ है वही सच्ची बड़ी अजीब सी फील आ रही है यार इस घर में आने के बाद जो फील आ रही थी ना वो पीछे ग्रेवयार्ड को देख के और ज्यादा बढ़ गई ट्रुथ हाँ में कन्वर्ट होगी हो गई कुछ गलत तो है इस घर में खैर ठीक है अभी सबसे पहले काम करते हैं मुझे यहाँ पर ना प, नहीं पेंट क्यों कर रहा हूँ पहले पहले पेंट की जरूरत नहीं है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जितना भी फालतू का सामान है जो कि बिक सकता है वो सारा का सारा बेच देना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये सोफा थ्री हंड्रेड का बिक जाएगा ये डब्बे तो खैर मैं बस रिमूव कर सकता हूँ बिकेंगे नहीं हटा देते हैं सारे के सारे ये पुराना

बेच देते हैं मैं खुद से एक नया लाके लगाऊंगा लैंप भी सारे बेच देते हैं अपने हिसाब से ला के लगाएंगे इस वाले रूम में कुछ ये टेबल सब हटाओ ये सब पुराना माल हटाई देना सारा अब जब रेनोवेट कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर देते हैं जितना पुराना सामान है ना भाई सारा बेच डालूंगा मैं यहाँ पर ये भी हटाओ ये भी हटाओ भाई मेरे को साफ नहीं करना सब बेचूंगा अंदर वाले रूम में क्या था इसको इसको भी बेचो ये सब कुछ सब कुछ बेच दो कॉकरोच को, भी बेचो तुम्हारी ऐसी की तरह कॉकरोच नहीं बेच सकते भाई हेलो ये वाले रूम में शायद से कुछ भी नहीं था हाँ ठीक है इसके राइट वाले रूम में ऊपर एक लैंप है अंदर एक टैडी है ये भी मैंने बेच दिया इस घर में जो भी रहता था ना सच्ची में बहुत कंजूस था नए घर में शिफ्ट हुआ और सारा सामान लेकर गया भाई साहब पेंसिल रबड़

इलेवन डॉलर की पेंटिंग बिक गई है और यहाँ पर शायद से कुछ भी ऐसा खास मुझे नहीं दिख रहा है कूड़ा करकट पड़ा था बेच देते हैं और राइट right, तो घर की सफाई अभी अच्छे से हो चुकी है कूड़ा करकट जितना पड़ा था सारा मैंने हटा दिया है अब एक काम करते हैं ये ब्रश निकालते हैं और जितना भी ये सारे मकड़ी के जाले ना ये मुझे साफ करने चल भाई तू भी हट तू भी हट अंदर वाले रूम से करते हुए आते हैं और पहले घर से यही हटा देते हैं फिर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिया है स्पाइडर के जाले हटा दिए हैं और शायद जमीन स्टेयर पे भी बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए हैं ऊपर से भी हटाते हैं बाथरूम में भी थे थोड़े बहुत इधर भी काफी सारे हैं सब के सब सबको हटा दूंगा ऊपर एक ये लैंप बेचना रह गया था इसको भी बेच देता हूं अब दोबारा से मकड़ी के जाले साफ करने मुझे मैं चाहूं तो इसे साफ कर सकता हूं बट ये फ्लोर ना मतलब पुराना सा है तो अच्छी फील नहीं आएगी नया ही फ्लोर लगाना पड़ेगा बाकी यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच है कि कॉकरोच को क्या स्प्रे डालना पड़ेगा क्या ओ वेट इसे वैक्यूम क्लीनर से मुझे साफ करना होगा इधर आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी सारे के सारे कॉकरोच को उठा के वैक्यूम क्लीनर से इस मछ मतलब खाली कचरे के अंदर फेंक के आता हूँ कोई बच के नहीं जाना चाहिए यहाँ से तो चलो भाई फाइनली यहाँ पर जितने कॉकरोचेस थे सारे के सारे मैंने वैक्यूम क्लीनर के थ्रू एक जगह पे कैरी कर लिए हैं ये थोड़े बहुत दीवार में चिपके हुए हैं कहा जा रहा है इधर इधर रुक रुक डन तो पूरा का पूरा रूम मैंने चमका दिया है यहाँ पर वॉल काफी ज्यादा गंदी हो रखी है क्या मैं इसे साफ कर सकता हूँ नहीं

घर को बाहर से भी पेंट करना होगा बहुत गंदा हो रखा है मैं पेंट करने से पहले यहाँ पर जो फ्लोर है ना उसको चेंज करता हूँ यहाँ पर वुडन फ्लोर लगा हुआ है बट मैं से लाइट वुड लगाते हैं यहाँ पर चलते हैं शॉप पे फ्लोर में चलते हैं और देखते हैं आखिरकार कैसे कैसे ऑप्शन है यहाँ पर वुड है बट ये तो वॉल के लिए है। और ये वाला जो ब्रेक है ये अपना नॉर्मली एक्सटीरियर फ्लोर के लिए है मुझे इंटीरियर वाले फ्लोर के लिए कुछ बढ़िया सी वुड चाहिए ओह भाई ये क्या प्यारी है मेरे फाइनल 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 यही लेना है मुझे अः यहाँ से लगाते हैं इसको हम लोग वेट इसका कोस्ट कुछ ओ नाइस पहले से बहुत प्यारा लगने वाला है यार ये देखो पहली क्या लुक थी अभी क्या लुक हो गई है खैर घर में लाइटें ही नहीं है ना इसलिए उतना पता नहीं चल रहा बट जैसे ही मैं इसमें लाइटें भी लगा दूंगा ना तब मजा आने वाला भाई इस घर में मस्त फील आएगी और यहां से लेकर मैं इसको यहां तक भी कवर करता हूं तो ये काफी सही लगेगा बट यहां पर ये जो गंदगी है ना लगे हाथ मुझे ये भी साफ करनी चाहिए यार वरना अजीब सा लग रहा है अपना फ्लोर वैसे देखो कितना ज्यादा अच्छा लगने लग गया झटके से लिविंग होल तो हो गया अभी फटाफट फड़ से चल के इसे पीछे वाले रूम में भी लगाते हैं क्योंकि यही मैं अब हर रूम में लगाने वाला हूँ ये वाला एरिया रह गया था पे भी कवर करते हैं और स्टेयर्स तो नहीं बाथरूम में भी वुड पहले से लगा हुआ था यहाँ पर बट मैं चाह रहा हूँ की नहीं यार बाथरूम में कौन वुड लगाता है बाथरूम में व्हाइट कलर की टाइल लगानी चाहिए दोबारा से चलते हैं फ्लोर में और देखते हैं कि आखिरकार व्हाइट कलर की टाइल्स यहाँ पर ओ ये वाली है डायमंड टाइल्स बट ये ऑलरेडी देखने में गंदी लग रही है तो जहां तक मुझे आ रहा है मुझे ये एक सैरामिक टाइल्स थोड़ी सी अच्छी लग रही है अब बाकी लगा के

अभी थोड़ा सा अपना जो बाथरूम है ना ये लग्जरी बनने वाला है तो इसको अभी गेट बन...

से बाहर बाहर यहां पर ठीक है बट हां एक सेकंड मुझे ये वाली वुडन फ्लोरिंग यहां तक कंप्लीट करनी थी अब बाहर का एरिया अपना ग्रास वाला है अभी लग रहा है ना ये काफी ज्यादा सही अभी चलते हैं यहां से सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे वो वाला एरिया भी पूरा कंप्लीट करते हैं क्योंकि सेम ही टाइल लगने वाली है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है फटाफट -फड़ से लगा देते हैं यहां से यहां पे और अंदर वाले फ्लोर में भी यहां से यहां तक ये भी हो गया और टाइल्स तो यहाँ पे भी काफी अजीब सी लगी हुई है ठीक करता हूं मैं अभी All right guys, तो समझ लो सारे के सारे रूम एकदम प्रॉपर हो चुके हैं और अभी मुझे कुछ नए डोर खरीद लेने चाहिए फटाफट से बट डोर खरीदने से पहले काउंट कर लेता हूँ एक ये हो गया दो हो गया तीन हो गया और यहां पर चार हो गया पांच हो गया और नीचे छे सात और एक डोर उधर है आठ नौ और इधर तो कर्टेन है तो मेरे को टोटल नाइन डोर्स खरीदने हैं और ये विंडो कैसे रह गए बेचो पहले डोर लगाते हैं फिर उसके बाद विंडो लगाएंगे और वैसे जो डोर टोटल मैंने काउंट करे हैं उसमें से एक डोर मेन होने वाला है तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा तो मुझे ये एक वाला और ये ब्लैक वाला यही दोनों डोर ठीक ठाक लग रहे हैं खैर ब्लैक वाला परचेस कर लेते हैं मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ ये देखो हमने पीछे वाली ये जो डेकोरेशन आइटम है इसको चेंज कर सकता हूँ इसको येलो या रेड वेट इसको अगर मैं ग्रीन करूंगा इसको भी ग्रीन करूंगा तो ये मस्त लगेगा बट ये येलो कर देते हैं एक्चुअली क्रिसमस आ रहा है तो डेकोरेशन तो होनी चाहिए जो बंदा भी ये घर लेगा ना भाई उसके मजे आने वाले हैं क्योंकि पहले से डेकोरेट होकर मिल रहा है उसे क्रिसमस के लिए तो ये डोर हो गया ऐसे यहाँ पर लगा देते हैं और अभी मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये जो घर है ये कैसा लग रहा है बाहर से अगर कोई आएगा तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है भाई उसे पता चल जाएगा फुल पार्टी शार्टी चलेगी क्रिसमस पे अब फटाफट से बाकी डोर भी ले, ले लेता हूँ खैर काम करते करते यहाँ पर रात होने वाली है मुझे तो बाकी डोर तो सिंपल ही चलेंगे मैं एक काम करता हूँ अंदर का जो कलर है ना उसे वुड थीम में रखता हूं और इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट ओ भाई या तो ऐसा करें इसको वुड में करते हैं इसको ब्लैक ये वाला ज्यादा प्यारा है मैं इसके हैंडल्स का भी कलर चेंज कर सकता हूं गोल्डन ब्लैक या फिर थोड़ा सा ग्रे में भाई फुल एकदम तगड़ी कस्टमाइजेशन हो रही है बाय नाउ तो डोर अपना हो चुका है बस इसे लगाते चलते हैं मुझे ये वाला यहाँ पे लगाना है इस टाइप से कुछ और एक ये वाला लगेगा बाथरूम में कुछ इस टाइप से और इसको लगाते हैं चलकर हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से और बाकी लगाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे यार मुझे घर की लाइट्स नहीं हटानी चाहिए थी अंधेरा हो गया सही में डन भाई सारा काम हो चुका है अब एक बार मैं लाइट ऑन करूँ क्या पता नहीं यार कोई लाइट होगी तो ऑन होगी ना यहाँ पर कुछ है ही नहीं चलो यार आज के लिए मैंने बहुत काम कर लिया है फिलहाल अभी मुझे अपने घर के लिए वापस निकल कलना चाहिए काफी अंधेरा हो गया कल आएंगे यहाँ पर दोबारा काम करने मैं बस अभी अपने घर पर सोने के लिए आया था और सुबह हो चुके हैं वापस से चलते हैं उस जगह पे लेट्स गो डन गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं और मुझे ना आज कुछ भी करके यहाँ पर पेंट विंडोज वगैरह सब कुछ खत्म करके जाना है और ये देखो जो डोर हमने लास्ट डे लगाया कि कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई यहाँ पे फुल वाई वारी है तगड़ी तो अभी फटाफट से ढेर सारी विंडोज भी परचेज कर लेते हैं ब्लैक डोर लगाया है तो कुछ ऐसी टाइप की विंडो भी होनी चाहिए यहाँ पर ये मेरे को अच्छी लग रही है और इसके अंदर हम लोग इसका कलर व्हाइट या ब्लैक सही रहेगा एकदम ब्लैक जाने से बढ़िया हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर में मीन्स डार्क ग्रे में चले जाते हैं और ये तो बहुत बड़ी विंडो है यार इसको लगाऊ यहाँ मुझे इसके तोड़ना होगा इस वॉल को तोड़ना पड़ेगा पहले जाओ ठीक है अभी मैं यहां पर विंडो लगा सकता हूं डन तो यहां पर तुम्हारे भाई ने विंडो लगा दिया बट ये विंडो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है यार इस टाइप की विंडो पता नहीं यार अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी तो अब एक लगाई तो दो लगानी पड़ेगी रुक जाओ इसको भी थोड़ा ठीक है यार इतनी भी बुरी नहीं लग रही है बट अगर छोटी विंडो होती तो शायद बढ़िया रहता एक काम करता हूँ एक ये वाली विंडो भी लगाकर देखता हूँ सामने वाली साइड पर इस कलर में लेट्स को ये वाला एरिया थोड़ा बदलाता है यहाँ पे लगाते हैं इसको तोड़ देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है यार अच्छी लग रही है जब बहुत सारी लग जाएगी पेंट वगैरह हो जाएगा ना तो ये बहुत प्यारी लगेगी सेम टू सेम मुझे इस साइड पे भी लगानी है बाय करके इधर करी प्लेस और ये तोड़ दिया और यहाँ पर लगा दी ये वाली विंडो नाइस भाई अगर यही सब अच्छी चीजें लगेंगी तभी तो ये जगह एक लग्जरी मेंशन में कन्वर्ट होगी पीछे वाले रूम में भी मैंने एक विंडो ला लगा दिया ये हो गया प्लेस बाई कितनी ज्यादा बढ़िया होते जा रही है जगह बाकी यहाँ पर भी एक विंडो थी ना यहाँ भी लगाते हैं बाय ना और ये लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे की यहाँ पे वैसे यार बाथरूम में थोड़ी विंडो लगाई जाती है लगाएंगे ये विंडो भी काफी अच्छी है इसको कहीं पर लगा के देखते हैं डार्क कलर में के। चलता हूं इसको लेट्स को, कहां लगेगी ये यहाँ पर रेडिएटर आना है तो शायद में यहां नहीं लगा पाऊंगा बट हाँ इधर ही अच्छी लगने वाली है इसको थोड़ा भाई बड़ी बड़ी विंडो लगा देंगे भाई घर में बड़ी बड़ी विंडो डन ये वाला रूम ऑलरेडी काफी ज्यादा ठीक है और से भी वैसे स्टोर रूम बनाने वाले हैं घर में यार इतने रूम है। लेट्स गो सब हो चुका है अभी फटाफट फड़ से मुझे पेंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए वैसे मैं सोच रहा हूँ की क्यों ना हम लोग पेंटिंग की जगह यहाँ पर वॉल पेपर्स लगाए वो भी बहुत प्यारे लगेंगे यार देखते हैं आखिर कौन कौन से वॉल पेपर पर अवेलेबल है वॉल्स वाली कैटेगरी में चलते हैं यहाँ पर वॉल्स के लिए टाइल्स है और यू वुडन पैनल भी है यहाँ पर फ्लॉक वॉल पेपर है डा सिर्फ वॉल पेपर दिखाओ यहाँ पे हाँ तो नीचे से देखते हुए आते हैं ओह हम लोग किड्स वॉल पेपर माउंटेन्स हाँ भाई कुछ उसी टाइप का गे, गेमिंग रूम बना देंगे भाई पूरा गेमिंग हाउस बनेगा ये पूरा पूरा घर तो थोड़े गेमिंग फील्ड में जाते हैं लेट्स को एकदम सिंपल नहीं रखने वाले ये किड्स वाल पेपर स्काय स्काई वाला तो नहीं चाहिए बाकी ये वाला मुझे अच्छा लगा इसको परचेज करते हैं और मैं इसे यहाँ पर रखवा देता हूँ और थोड़ा सा और रखवा देते हैं और अभी मुझे इसमें से निकाल निकाल के लगाने हैं ना लेट्स को अब चलते हैं टाइनिंग पैनल में और यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ देखते हैं आखिर कैसा लगने वाला है एक दो तीन चार पाँच छ ये भाई रिपीटेड ना हो बस तो ये बहुत प्यारा रहेगा यार ये देखो क्या मस्त फील आ रही है इसके बीच में भी एक होना चाहिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और ये बिल्कुल मैच होता जा रहा है सारा लेट्स गो पूरी की पूरी वॉल तुम्हारे भाई ने एकदम मस्त सी बना दिया ये वाली तो यार ओ भाई 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 भाई, भाई। काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये वाली वॉल मतलब बाहर ग्रीनरी दिख रही है और वॉल पे माउंटेन्स बने हुए हैं नाइस थोड़ा बहुत और है तो क्यों ना इसके बगल वाली वॉल पे भी कर दिया जाए तो एकदम मैचिंग मैचिंग सा हो जाएगा यहां से भी चार मेरे पास और बचे हैं तो इसे यहां तक कर देते हैं हाँ, तो ये भी ठीक लग रहा है अब बस मुझे यहाँ पर व्हाइट पेंट करना चाहिए मेरे पास एक पेंट बकेट मैंने अभी परचेस करी है यहां से ये रि पेंट बकेट इसको इसके लार्ज वाली ले लेते ले ले हैं और इसको रखवा देता हूँ यहाँ पर अब फटाफट से यहां से हम लोग निकालते हैं पेंट इसमें से निकालता हूँ थोड़ा सा और ना ये जो वॉल पेपर है ना इसे यहीं तक रहने देते हैं तो इस वाली वॉल पे पेंट कर देता हूँ बट नहीं पेंट मतलब वॉलपेपर लगने के बाद अब ये व्हाइट पेंट काफी ज्यादा फीका लग रहा है यार ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है क्या घटिया काम कर दिया पहले अच्छा था नहीं 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 नहीं, नहीं यार व्हाइट पेंट तो नहीं करने वाला मैं एक किड्स स्काई वॉलपेपर है इसमें दो कैटेगरी है एक शायद गर्ल के लिए एक बॉय के लिए ये वाला लेते हैं यार पहले ना मुझे ऊपर चलना चाहिए ऊपर वाले रूम से ना थोड़ा सीख के आएंगे कि किस टाइप का रूम अच्छा लगता है किस टाइप का नहीं लगता फॉर एग्जांपल अभी मुझे ना ये वाला रूम अपने लिए बनाना है कि यहाँ पर अपना बेडरूम वगैरह हो जाएगा ये तो यहाँ पर चार वॉल मैंने खरीद लिया अब चल के इन सभी वॉलपेपर

अगर हल्का फुल्का रह रहा है तो यहाँ लग जाएगा क्या वेट अरे लग जाए यार ऐसे कैसे नहीं लगेगा भाई लगेगा लेकिन दिखेगा नहीं पता नहीं कहाँ चला गया टॉप साइड नहीं कर सकता हूँ मैं बाकी रूम बहुत प्यारा लग रहा है यार अभी ये देखो अब बस मुझे यहां पर बेड खरीद के रखना है बट वो सामान खरीदने का काम सबसे एंड में करेंगे फिलहाल अभी जितने के काम की जरूरत है वो सब हो चुका है ऊपर का एक रूम हो गया है इस वाले का गेट बंद कर देते हैं अब चलते हैं दूसरे रूम में ये वाला भी कंप्लीट करना है ये वाला रूम भी कंप्लीट करना है अंदर एक स्टोर रूम है ये भी कंप्लीट करना है फिर उसके बाद रह जाएगा ये वाला बाथरूम और ऊपर का फ्लोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बट यार रूम के साथ साथ मुझे कॉरिडोर भी कंप्लीट करना होगा वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है तो सबसे पहले कॉरिडोर ही कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर नीचे ना स्कारटिंग की मुझे कमी लग रही है और पेंट तो सीधी सी बात है करना ही है तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पर स्कार्टिंग के ऑप्शन है हम्म नीचे की साइड पे वो हाँ यहाँ पर स्कार्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं ये देखो कुछ इस टाइप का ये पैनल्स यहाँ पर वॉल पे लगने चाहिए तो गाइस इसमें कुछ इस टाइप का थोड़ा बहुत ठीक लगेगा इसमें काफी सारे अलग अलग डिजाइन हैं बट या सबसे ज्यादा सिंपल रहेंगे तो अच्छा लगेगा यही वाला लगाते हैं यहाँ पर इसको मैं रखवा देता हूँ खरीद के एक दो तीन को तीन चार आ, भाई जगह ही नहीं हो रही है बिल्कुल पूरे घर में लगाना है तो यार ज्यादा खरीद लेना चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शायद इतना बहुत होगा कम पड़ेगा और ले लेंगे फिलहाल अभी इसे लगाना स्टार्ट करते हैं ऐसे गाइस लास्ट टाइम यहाँ की जो वॉल्स खराब हुई थी वो एक्चुअली एक ग्लिच था जो की अभी ठीक हो चुका है अब मुझे क्या करना है सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पैनल्स है ना मीन्स इन सभी को यहाँ पर लगाना स्टार्ट करना होगा और देखते हैं आखिर लक कैसा रहा है अरे वेट 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 ये पता नहीं गंदा लग रहा है पता नहीं मेरे को तो बहुत गंदा लग रहा है यार ये कुछ तो अजीब ही हो रहा है भाई क्या मैं इसे थोड़ा सा नीचे को नहीं लगा सकता हटाओ यार ये खराब है खराब है कूड़ा है ये सब मैंने फालतू में खरीद लिया भाई सारा बेच रहा हूँ मैं भले ही थोड़ा सा नुकसान होगा बट कोई दिक्कत नहीं भाई ये बहुत गंदा लग रहा है लेकिन बाहर वाली साइड पे ना ये फ्लॉक वॉलपेपर कर देता हूँ इसमें अगर कुछ अच्छा डिजाइन हो तो चलेगा बाकी यही ठीक है यार कर दो कुछ बुरा नहीं लग रहा यार मेरे को ये सच्ची में ठीक है और इस बारी ज्यादा खरीदने से पहले ना मैं थोड़ा सा लगा के देख लेता हूँ वरना पिछली बार की तरह काफी नुकसान हो जाएगा मुझे एक सेकंड इसको पहले यहाँ पर नीचे रखो एक लास्ट टाइम ये रह गया था इसको बेच देता हूँ ये वाला लगा के देखते हैं उठा के कैसा लगने वाला है वैसे उससे तो बुरा नहीं लगेगा उससे बेटर ही लगेगा जहां तक मुझे लग रहा है नाइस कुछ अलग सी फील आ रही है बट काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा यार अगर इसे मैंने पूरे घर में लगा दिया ना क्योंकि ये ब्लैक है प्रॉपर कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ की ये भी बेकार है मुझे ना कोई रॉयल वॉल ढूंढना होगा सिंपल सा और काफी ज्यादा बढ़िया लगे बट यहाँ पर कुछ भी सिंपल नहीं है वो ये प्यारा है ये अच्छा लगेगा इसमें कुछ कुछ अलग अलग कलर्स है ये कुछ ज्यादा ही चमक जाएगा ये थोड़ा लाइट है किसमें जाऊँ यार ये अच्छा तो है ये अच्छा तो है वेट 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 ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब यार वो वाला कुछ ज्यादा ही चमक रहा था वो थोड़ा ओवर हो जाता और मैं इस बार हंड्रेड परसेंट शो रू इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली एक ही बार में पसंद आया लेट्स अभी इसे फटाफट -फड़ से यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं और मैंने कहा था ना ये काफी सही लगेगा और अभी देख लो क्या फील आ रही है चलो भाई फाइनली ऊपर वाला फ्लोर तुम्हारे भाई ने एकदम तो मस्त कर दिया है जैसा मैं चाहता था ये वैसे ही हो चुका है समझ लो अभी एक काम करते हैं जो एक्स्ट्रा था इसको बेच देते हैं क्योंकि अभी मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है थोड़े बहुत मैंने एक्स्ट्रा बचा लिया कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा खैर अब बारी है इस वाली वॉल की जो की मुझे उतनी

शेर वेर की चमड़ी लगा दी हो यहाँ पे <laughs> अपना ये घर थोड़ा बहुत रंग बिरंगा बन रहा है पता नहीं फाइनल आउटपुट कैसा आएगा ओके गाइस डन तो मैंने वाली वॉल पूरी कंप्लीट कर दिया साइड से करना बाकी रह गया था यहां पर मैंने कर दिया इस पे भी कर देते हैं बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी हाँ अभी मस्त लग रहा है सेम टू तो सेम इस वाली साइड पे भी करना होगा मस्त अब काफी सही लग रहा है पहले मुझे ये वॉल अच्छी लग रही थी ना अब सही बताऊं पूरा घर मस्त लग रहा है बस ये वाली वॉल गंदी लग रही है इसका वॉलपेपर अभी मैं चेंज करूंगा बट या उससे पहले इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो चलो भाई इसी के साथ स्टेयर स्पी कर दिया तुम्हारे भाई ने कंप्लीट अब सामने वाली वॉल पे ना रेड कर देते हैं सेम इसी में एक रेड भी था चलो भाई ग्राउंड फ्लोर हो गया अब एक काम करते हैं फटाफट से अंदर वाला बाथरूम कम्प्लीट करते हैं यहाँ की टाइल्स नीचे की मैंने कर दी थी चेंज ऊपर वाली टाइल्स गंदी लग रही है तो फटाफट से टाइल ले लेता ले हूँ मैं खूब सारी देखते हैं कौन सी अच्छी लगने वाली है तो अभी मुझे इन टाइल्स में से कुछ समझ नहीं आ रहा है बाकी जहां तक है कुछ है कि ये वाली टाइल्स हैं थोड़ी यूनिक सी लग रही है क्यों ना ये ट्राई करते हैं मुझे कौन सा वहां पे जाके नाना है इसे ले लेता हूँ भाई पूरा भर के लगा दू क्या पता सही में अच्छा ही लगे यार ये अलग ही है कुछ लेट्स को अभी मुझे इस टाइल को उसी तरीके से लगाना होगा जैसे मैंने पहले लगाए थे तो फटाफट से अभी ये वाली टाइल्स भी यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं पता नहीं कैसा लगेगा ओ नाइस यू देखो अच्छी लग रही यार ये मैंने लगाया इस पे पेंट एक यहाँ पे लगाता हूँ फिर यहाँ पे लगाता हूँ और ये प्यारी लगेगी यार ये देखो हाँ तो अगर देखा जाए तो भाई बुरी नहीं लग रही है कुछ नई यूनिक सी चीज आ रही है क्या पता इसी थीम को देखने के बाद कोई हमारा घर बहुत महंगा खरीद ले चलो भाई नुकसान एक और झेल लेते हैं राइट तो बाथरूम हो चुका है बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ जब तक ये चीज एक वॉल पे थी तो अच्छी लग रही थी बट अभी पूरे में हो गया ना थोड़ा मतलब एक इल्यूजन सा हो रहा है अंदर ऐसा लग रहा है बस ऐसा चक्कर आ जाएंगे बड़ा अजीब सा हो रहा है बट बुरा नहीं लग रहा सही बताऊं तो खैर ठीक है ये सब हो गया ये वाली वॉल भी अभी चेंज करनी है इसको भी कर देते हैं तो मैं रेड वॉल पेपर लगाने वाला हूँ तो से से लगा शुरू बड़ा फट बाय कोई दिक्कत नहीं ओके तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अभी आपको ये रूम थोड़ा सा डार्क डार्क सा लग रहा होगा बट ऑनस्टली बताऊ तो यहां पर अभी लाइट ही नहीं लगी है इसलिए डार्क लग रहा है मेरे हिसाब से जब लाइट लग जाएगी ना तो ये बहुत

एच को ओ भाई साहब एक ही बार में कितनी सारी पेंट वॉल कर मतलब वॉल पेंट कर दी मैंने पर कुछ कुछ सही से नहीं हुई तो यहाँ से यहाँ तक पेंट वाला टास्क काफी ज्यादा इजी है और भी पूरा आगे तक ले जाना है लेट्स गो तेरी उधर तो स्पाइडर का वो है मुझे उसे निकालना होगा यार पेंट भी काफी ज्यादा सही लग रहा है मैं सोच रहा था कि वॉलपेपर तो पेंट से बहुत बेटर होते होंगे बट इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे को ये रूम ज्यादा अच्छा लग रहा है उल्टा फिलहाल इस वाले रूम में मैं येलो पेंट तो नहीं ब्लू पेंट करने वाला हूँ तो खरीद लेते हैं खैर इस बार में थोड़ी बड़ी बकेट नहीं खरीदूंगा देखो कितना बच गया पेंट 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 तो जल्दी से चलते हैं वॉल्स में और मुझे यहां पर चाहिए होगा ब्लू पेंट ब्लू या फिर सियान कलर का पेंट है क्या सियान भी काफी ज्यादा

पहले ये बताओ कि आखिर इस वाले रूम का डोर क्या है यार मैंने खरीदा था लगाया नहीं या पता नहीं यार मैं इसमें सच्ची में डोर लगा ही भूल गया खैर ठीक है अभी यहाँ पर गेट मैंने परचेस कर लिया और इसे यहाँ पर लगा देते हैं डन है अब काफी ज्यादा सही लग रहा है पूरा का पूरा रूम आ, ये भी हो गया ये वाला रूम भी हो गया सब एकदम ओके है यहाँ से नीचे चलते औ वेट ये बाथरूम कौन करेगा भाई आ, है कितनी गंदी टाइल्स लगे यहाँ पर मुझे ठीक करनी होगी ढंग की टाइल लगा के ग्राउंड पे तो मैं वाइट टाइल लगाने वाला हूँ बट हाँ ऊपर के लिए देखनी पड़ेगी और तेरी ये क्या चीज है मैंने पहले देखी ही नहीं थी इतनी प्यारी लग रही है इसको यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक लगाते हैं और देखते हैं यार कितना अच्छा लग रहा है भाई वेट यार ये ना बहुत बड़े बाथरूम वाली लग गई रुको यहां पर ये एक छोटे साइज के भी है शायद ये वाली बनी होगी इस बाथरूम के लिए क्योंकि भाई वो तो हाँ ये ज्यादा अच्छी लग रही है यार उससे ठीक है अब वॉल्स के लिए देखना है ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है मुझे बहुत प्यारी टाइल मिल गई है इसको यहाँ से वेट पे को पहले खरीद के रखनी पड़ेगी खूब सारी ले लेते हैं और अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं लेट्स गो ये उठाई और इससे पहले यहाँ पर लगा के देखता हूं आखिर कैसे ओके फुल ओके भाई डन भाई ये वाला बाथरूम भी कर दिया है कंप्लीट और सच्ची बताऊं तो सेम टू सेम वही वाला जैसे हमने वाला बाथरूम कंप्लीट करा था फिर पूरा अच्छा नहीं लग रहा था सेम ऐसी है बट ये वाला फिर भी थोड़ा वो ठीक लग रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे भी यहाँ पर चीजें मिस है ना इसलिए थोड़ा बहुत अजीब सी फील आ रही है बट यार पूरा घर हमने कंप्लीट कर दिया और पहले कैसा था और अब देखो क्या प्यारा हो चुका है आ, ये वाली वॉल एक लास्ट रह गई थी इसे भी कर देता हूँ चेंज एक ये लास्ट ऑप्शन है इस वाली वॉल के लिए लगा लोगों के खत्म करते हैं मुझे नहीं लगता ये वॉल इससे भी ज्यादा प्यारी लग सकती है अभी तो यार सच्ची में फुल गेमिंग हाउस वाली वाइब आ रही है उससे कम आ रही थी बट ये प्लेन है पर कुछ ज्यादा ही साइबर पंक टाइप लग रहा है right, guys, तो फाइनली पूरा हाउस कंप्लीट हो चुका है ऊपर से लेकर नीचे तक अब बस मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लाके रखना है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर रेडिएटर्स इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर मुझे टॉयलेट सीट लगानी है और भी काफी सारे नल वगैरह लगाने हैं और यहाँ पर टीवी लगाना है सोफा लगाना है बहुत सारी चीजें हैं तो जल्दी से जल्दी पहले सारा सामान खरीदते हैं और यहाँ से लगाना शुरू करते हैं पहले ना गाइस में सारी इंस्टॉलेन्स कंप्लीट कर देता हूँ जैसे कि मुझे तो पहले ना मैं सारी इंस्टॉलेशंस कंप्लीट कर देता हूं फॉर एग्जांपल घर में एसी हर कोई लगवाता ही है तो मुझे यहां पर एसी का ये लगवा देना चाहिए सबसे पहले यहां पर जिसपे एसी हैंग होता है तो ये एक है जो कि मुझे यहाँ लगवाना चाहिए फ्रंट में एक एसी रहेगा तो काफी बढ़िया लगेगा अब बस मुझे एसी खरीदना है और यहां पर जब मैं लगाऊंगा तो ठंडी ठंडी हवा आएगी यहाँ पर अब फटाफट से एक एयर कंडीशनर भी खरीद के मैं लगे हाथी यहाँ पर लगा देता हूं ताकि जिसको वो मिले बंदा भी खुश हो जाए कि एयर कंडीशनर लगा के दे चाह बंदे घर लेट्स ले तो ये अब असेंबल करना है यहाँ पर नट कर टाइट नीचे वाला टाइट पीछे वाला टाइट और ऊपर वाला टाइट और इसी के साथ एसी को बस मुझे यहां पर लगाना है बट वायर जोड़नी पड़ेगी मुझे सबसे पहले ये वाले सारे स्क्रू टाइट करके पहले ये वाली बार फिर पीछे वाली बार फिर ग्रीन रेड वाली देन पीछे रेड फिर ये ग्रीन ये वाली ग्रीन और यहां पर पीछे की वाइट और ये वाली भी व्हाइट हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस घर में तो इतने ही पैसे भी हमें चाहिए भाई ओके तो सारे के सारे स्क्रू भी मैंने टाइट कर दिए अब बस मुझे ये सारी पाइपिंग करनी है इसको जोड़ा इसको जोड़ा और ये वाला अटकला टाइट इसको भी जोड़ के इसे भी कर दिया टाइट कॉपर वायर डन अब इस पैनल को कर दिया क्लोज और फाइनली एयर कंडीशनर हमने यहां पर इंस्टॉल कर दिया है भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है आ, वैसे मैंने सोचा नहीं कि टीवी भी तो यहीं पर आना चाहिए ना सोफा सामने लगाते हैं टीवी इधर लगाते से बैठ के देखेंगे ना ना ना, ना, ना टीवी मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए यार क... शायद हाँ इधर ही होना चाहिए एयर कंडीशनर के साथ साथ मुझे ना हर जगह पे यार रेडिएटर भी लगा देने चाहिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे अच्छी चीज कि इसके पैनल्स यहां पर इंस्टॉल हो रखे हैं तो एक ये यहां पर लगा देता हूँ असेंबल करना है इसे यहां पर और ये दोनों को कर देता हूँ टाइट ऊपर से भी लगा के इसको भी टाइट ये भी हो चुका है टाइट लेट्स को तो यहाँ पर हमने एक रेडिएटर भी इंस्टॉल कर दिया है अब इस घर में क्या क्या कमी दिख रही है लाइट्स की कमी दिख रही है ना ठीक है लाइट्स लगाते हैं गाइस अभी मैंने ऐसे इधर उधर थोड़ी बहुत सर्च कर रहा था बट अभी मुझे यहाँ पर एक पूल मिला क्या मैं इधर स्विमिंग पूल

पीछे लेके चलता हूँ मैं इसे थोड़ा सा घर के एकदम सेंटर में पीछे आने देते हैं और अभी मैं इस पूल को यहाँ पर लगाने वाला हूँ ओके तो स्विमिंग पूल भी यहाँ पर एक बहुत मस्त वाला बन चुका है इसके अंदर बस पानी नहीं है ई टू प्लेस पूल अच्छा अभी प्लेस भाई मुझे यहाँ पर खुदाई भी करनी पड़ेगी इसके लिए ठीक है कोई बात नहीं पूरी सफाई कर दी जाएगी अच्छे से यार और पूल लेकिन बनना चाहिए वैसे भी इतना कुछ कर दिया है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि आखिरकार अभी ये जो अपना घर है ये कितने का बिकने वाला ट्राय है ट्राई करते हैं यहाँ पर अभी हमने इसे ऑक्शन पे डाला है हमने इसे खरीदा था टू लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड डॉलर का और अभी हमें इसके टेन लाख नहीं इलेवन लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो एक बार बेच के देखते हैं क्या इससे ऊपर रेट जाता है या फिर नहीं एक बंदा आया है टू फोर्टी टू फोर्टी टू टू फोर्टी नाइन टू फिफ्टी अभी भी हम लोग प्रॉफिट में नहीं आए हैं टू फिफ्टी टू फिफ्टी वन नहीं यार मेरे को नहीं लगता है घर इतना ज़्यादा महंगा बिकने वाला है ए, ये आया फैमिली जॉनसन ये घर 256 का ले रही है और डॉलन ट्रस्ट नाम का एक बंदा है जो कि हमसे ये घर टू लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डॉलरस में लेने के लिए रेडी है बट हमने ये खरीदा था 253 का यानी सिर्फ सिर्फ थ्री टू थ्री थ्री थाउजेंड डॉलर का प्रॉफिट बस और ये कह रहा है कि इसे एक बेडरूम चाहिए और जो कि हमारे घर में नहीं है रिफ्यूज मैं इस घर को और अच्छे से बना के ज्यादा महंगा बेचूंगा भाई सिर्फ थ्री थाउजन डॉलर का प्रॉफिट इतना कम 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 से कम यार लाख डॉलर का प्रॉफिट तो होना चाहिए भाई इतना कुछ बनाया है मैंने एक काम करता हूँ लोग ना घर को बाहर से ज्यादा देखते हैं तो मैं अच्छे से पेंट कर डालता हूँ पहले इसको बाहर से वैसे ज्यादा गंदा नहीं है बट मैं इसे अच्छे से व्हाइट से पेंट कर दूंगा तो मस्त हो जाएगा एक काम करता हूँ इसमें ना येलो पेंट कर डालता हूँ भाई मस्त हो जाएगा इसकी मैंने बकेट यहाँ से ले लिया एक दो तीन चार पांच क्योंकि ज्यादा पेंट होना भाई बड़ा घर है लेट्स को अब यहां से पेंट करना स्टार्ट करते हैं ये वर पेंट और यहां से करते हुए चलते हैं वेट लेट्स गो पूरा चमका दूंगा घर में यार ये वाला एरिया तो हो चुका है बट ऊपर का एरिया पेंट करने के लिए मुझे स्काफ फोल्डिंग खरीदनी होगी तो जल्दी से ले लेते हैं हम्म hmm, तो एक ये बड़ी वाली स्काफ फोल्डिंग है इसे मुझे परचेस करना होगा लेट्स गो अब मैं ऊपर भी चढ़ के पेंट कर सकूंगा ना यार मतलब तो ये जरूरी थी वरना मैं ऊपर पेंट ही नहीं कर पाता इसे घुमा के यहाँ पे रखते हैं अभी ठीक है अब चलते हैं सीधा ऊपर इसको लेके वरना बार बार पेंट लेने के लिए मुझे नीचे उतर के आना पड़ेगा यार ये रखी यहाँ पे ये निकाला पेंट और अभी करना है, स्टार्ट करते हैं चलो भाई ये वाली वॉल तो तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दी अब चलते हैं फ्रंट साइड का काम का 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 करने के लिए तो यहाँ पर इधर लगानी होगी मुझे स्काफ फोल्डिंग पेंट वगैरह उठाते हैं ऊपर चलते हैं बात इसको रखा यहाँ पे और अब फ्रंट साइड का भी पेंट करके सारा काम खत्म करते है भाई वैसे मैं कह रहा हूँ सारा काम खत्म करते हैं अभी अंदर का सामान लगाना बाकी है उसके लिए बेडरूम बनाना बंदे ने बोला था चलो भाई सब हो गया

एक पाइप टाइट होगी दूसरी पाइप टाइट होगी पानी आना शुरू अब ये लगाया एंड सेकेंड वाला है ये इसको जोड़ने का काम और इसको भी जोड़ने का काम अब इसको भी टाइट ऊपर से भी टाइट करना है और इसको भी टाइट करना है फिर इसे ऊपर से टाइट करना है लेट्स को अच्छा इसका पा, निकल, पानी निकलने का भी तो जोड़ना होगा ना चलो भाई फाइनली कंप्लीट हो गया और कैबिनेट भी हमने लगा दिया और यहाँ पर भाई बहुत अच्छा लग रहा है इस तरफ में मुझे शायद से बाथिंग वाला लगाना है यार मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर ये इतना महंगा क्यों नहीं बिक रहा था भाई आखिर इसमें कुछ लगा ही गया है खैर अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मुझे एक बा... ये तो हो गया अब एक बाथिंग एरिया एक टॉयलेट सीट लगानी है तो ये वाली टॉयलेट सीट अगर मैं परचेस करूँ तो क्या ये यहाँ पर लग जाएगी या फिर इसके लिए कुछ अलग ही इंस्टॉलेशन लगानी पड़ती है नहीं सबसे पहले मुझे टॉयलेट का प्लम्बिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा तो इसको मैं इस कोने में लगा देता हूँ और ये हो गया है ना डन अब मैं उसके ऊपर यह लगा सकता हूँ शायद से हाँ भाई इतनी देर से मैं क्या कर रहा था अब एकदम ओके है ना भाई लेट्स को अब इसके ऊपर से असेंबल करते हैं आ, तो ये बनना है बंद बन, इसको भी करना है बंद और ये हो गया अब बचा है बाथिंग एरिया तो मुझे देखना है बाथटब प्लम्बिंग सिस्टम बट नहीं बाथ टब नहीं यार कि लगा दू टब अगर ज्यादा जगह ना घेरे तो लग जाएगा यार बहुत प्यारा लगेगा जरूरी थोड़ी है कि ग्लास वाला ही सिस्टम हो तो इसको फटाफट से यहाँ पर असेंबल करते हैं अब मुझे चाहिए होगा एक बढ़िया सा बाथ टब ये है बट ये तो यार डबल वाला है और इतना बड़ा यहाँ पर लग नहीं पाएगा मुझे छोटा बाथ टब चाहिए होगा यार तो अगर देखा जाए ये दोनों छोटे छोटे से और प्यारे से है इसको लगा देता हूँ ये वाला लेकर इसमें काफी सारे अलग अलग कलर भी है इसमें डार्क कलर का वाला परचेज करते हैं और ये मैं लगा अरे यार उस टाइम

एरिया प्रॉपर ये लग गए ग्लास डन है भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एकदम कम एरिया में बहुत अच्छा बाथिंग एरिया बन चुका है लेट्स गो बाथरूम हो गया कंप्लीट अब बस मुझे यहाँ पर लिविंग एरिया का काम करना है लाइट्स लगा देते हैं यार सबसे पहले लाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वॉल पे लाइट होना बहुत जरूरी है और मैं चाहू तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फैंस और लाइट्स लगा सकता हूँ ये एक अच्छा सा फैन है जो की ऊपर बहुत अच्छा लगेगा लेट्स गो बट लिविंग एरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सोफा तो ये वाला सोफा मुझे अच्छा लग रहा है इसे परचेज कर लेते हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग कलर्स के हैं बट मुझे यही कलर अच्छा लग रहा है एंड ये एक थोड़ा सा एल शेप सोफा है और हमने सोचा था हमारा टीवी होगा इस तरफ तो इसे अगर मैं ऐसे रोटेट करके लगाऊं तो यार ये थोड़ा अजीब सा ही मतलब अजीब सी फील दे रहा है इसे मेरे हिसाब से ना इसी कोने लगा देना चाहिए टीवी बीच में ना एक टेबल रखूंगा उसके ऊपर रख दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा बहुत अलग अलग टाइप के टेबल हैं यहाँ पे बट मुझे मेनली टीवी रखने के लिए चाहिए तो उस टेबल की ज्यादा हाइट ना हो तो बढ़िया रहेगा खैर अभी मुझे एक ये वाला टेबल ठीक लग रहा है पर ये शायद थोड़ा सा ऊंचा ओ नहीं ये बिल्कुल पर अभी इसमें बहुत छोटा टीवी आएगा यार इसके जैसे दो रखवा दू क्या एक काम करता हूँ इसको बीच में रख देते हैं ना ये ऐसा लग रहा है बना ही यहीं के लिए था यार जैसा टेबल मुझे चाहिए ना इसमें है नहीं कि ये वाला मुझे थोड़ा सा मिला है ओ ओ, ओ मस्त 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 यही तो चाहिए था लेट्स को इसको घुमाओ 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 अभी एकदम परफेक्ट है सामने रख दिया मैंने इसे अब इसके ऊपर लाके रखना है टीवी टीवी दिखा दो भाई कोई बढ़िया सा वॉल माउंटेड भी और इसे रखा भी जा सकता है और अभी मुझे इसे घुमा के यहाँ पर रख देना ये तो उल्टा साइड है वेट ये है फ्रंट साइड तो ये रख देता हूँ मैं सेंटर होना चाहिए यार वेट यार तमीज में रखेंगे एक ही बार में रख देंगे लेट्स मस्त हो चुका है अब बस किसी का हाथ लगाना मतलब देख के डर लग रहा है चलो टीवी तो मस्त जगह रख दे इसे ऑन भी कर देते हैं भाई काफी कुछ मस्त सी फील आएगी जब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे बट पीछे मुझे कुछ डेकोरेशन के लिए रखना होगा ये पीछे से गंदा लग रहा है खैर बहुत है यार बाकी के डेकोरेशन वही लोग करेंगे जो इस घर को खरीदेंगे मैं ऊपर वाले रूम में बस एक ये बेड लगा देता हूँ यहाँ पर यार बतेरे ऑप्शन है बेड में एक से बढ़कर एक बट ये वाला प्यारा लग रहा है इसको लगाते हैं रोटेट और भाई <laughs> एक सच्ची बताओ कि रूम के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा बड़ा बेड लग गया यार ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलेगा हमें कौन सा स्पेस होना भाई वो आके बच्चों का रूम है वो उस पर कूदेंगे दबा के चलो अब ट्राई करते हैं कि ये घर कितने का बिकने वाला है 253 फिफ्टी थ्री का हम लिया था टू ट्वेंटी टू सेवेंटी एट का ऑफर टू एट्टी टू भाई साहब ये अगर मैंने और काम कर दिया ना ये बहुत महंगा बिक जाएगा 288 एटी एट एंड टू प्लीज़ थ्री टच हो जाओ मेरा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा प्लीज़ 292 एंड एंड मैक्स हमें टू नाइनटी 253 का लिया था यानी 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है बट मैं इसमें और काम करने वाला हूँ रिफ्यूज कर देता हूँ भाई मैं सारे के सारे ऑफर्स मुझे अभी देखना है कि आखिर कार इसमें और क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि इसके रेट और बढ़ जाएं। भाई ये इसीलिए महंगा नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर वाले टॉयलेट में काम ही नहीं करा था इस पर भी करते हैं इधर ना मैं बाथप लगा देता हूँ मजा आ जाएगा भाई जो भी बंदा इस घर को खरीदेगा खैर ये वाला पैनल किस चीज का है रेडिएटर का था क्या ऊपर मैं एक महंगा वाला टॉयलेट लगाने वाला हूँ तो उसके लिए मुझे पहले एक प्लम्बिंग सिस्टम खरीदना पड़ेगा उसका और इसको एकदम सेंटर में लगाएंगे ये वाला टॉयलेट ना वॉल माउंटेड है तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है और थोड़ा महंगा सा भी दिख रहा है सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मैं हाथ सेकने के लिए कि ये लेकर आया हूँ इसको यहां पर लगा देते हैं वैसे ही देखो ऊपर ए है नीचे ये लगा दे भाई। पर सर्दियों के टाइम में हाथ सेको और ऊपर ए ठंडी हवा करेगा गर्मियों के टाइम पे ये भी ठीक है और भी बहुत सारा आइटम है यार यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ये लगा देता हूँ क्या पता इससे इम्प्रेस हो जाए वो बस यार बहुत है अभी चल के दोबारा से ट्राई करते हैं कि आखिरकार ये घर में कितने का बेच सकता हूँ लेट्स पुट ऑन ऑप्शन सेकंड ऑफर ही इस बार टू नाइट 93 डॉलर्स का आ गया यानी हम लोग थ्री लाख ,00 क्रॉस इजीली कर देंगे लेट्स गो 303 हो चुका है और डॉलन ट्रस्क दोबारा से आ गया भाई वापस और इस बार कह रहा है आई नीड अ सेपरेट ऑफिस इतना वाल नहीं है फैमिली जॉनसन uh, कह रही है दिस वुडन फर्नीचर मेक्स द होम वेरी कॉजी ओके ठीक है इसको पसंद आ गया अब बिग फैमिली नीड्स टू और मोर बाथरूम्स एटलीस्ट टू भाई मैंने बना तो दिया यार दो यार काफी सारी डील्स तो आई है बट सबके कुछ ना कुछ ऑफर है ये हमें थ्री लाख एट थाउजेंड बट ये कह रहा है कि इसको एक बड़ी फैमिली लेकर यहाँ पर आनी है तो घर में बेडरूम ज्यादा होने चाहिए बाथरूम भी पूरे बने होने चाहिए दोनों के दोनों जो कि मैंने नहीं बनाया है खैर अभी पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे ना इस पूरे के पूरे घर को पूरा अच्छे से बनाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसे वन मिलियन डॉलर तक का बेच सकता हूँ तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताओ कि इसमें मुझे क्या क्या और करना चाहिए जिससे इसके रेट बढ़ जाए शायद ये जो मैंने बार का पेंट कराया है ना इसकी जगह मुझे वुडन चैलेंज लगानी चाहिए और हर एक रूम को पूरा भर देना चाहिए फ्लोर पे कारपेट और वॉल पे पेंटिंग वो सब कुछ फिर इस घर को बेचेंगे और देखते हैं आखिर ये कितने का बिकने वाला है बाकी आज के इस वाली वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय